हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। 9 अगस्त को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। एक तरफ थी स्मृति ईरानी तो दूसरी तरफ थे राहुल गांधी। राहुल गांधी लगभग 6 महीने बाद ये पहला भाषण दे रहे थे। उनकी अभी अभी सांसदी बहाल हुई है। आते ही उन्होंने सबसे पहले लोकसभा स्पीकर का धन्यवाद किया कि उनकी सांसदी बहाल कर दी गई और उनको यह मौका दिया गया। इसके बाद वो लगातार शुरू हुए अपने मुद्दे पर। सबसे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने मणिपुर हिंसा के बारे में बताया, जहां उन्होंने अभी रिसेंटली वो दौरे पर गए थे, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने कई सवाल उठाए। और जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने जो बीजेपी है उस पर देशद्रोही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि आप देश प्रेमी या देशभक्त नहीं, आप देशद्रोही है। आपने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, मणिपुर में हिंदुस्तान के लोगों को मारा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर दौरे के लिए नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने मणिपुर दौरे को लेकर 2-3 एक्सपीरियंस भी शेयर किया। राहुल गांधी ने बताया कि जब वो वहां पहुंचे थे, राहत कैंप में पहुंचे थे, तो वहां उनसे 2 महिलाएं मिली थी। एक महिला जिन्होंने उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, राहुल ने उनसे पूछा था कि आपके साथ क्या हुआ है, तो उस महिला ने उनको बताया था कि उसने अपने बेटे को मरते देखा है, जो कि उसका एक लौता बेटा था। उस महिला ने राहुल को बताया था कि उसने अपने बेटे के साथ रात गुजारी थी, उसके लाश के साथ, और इसके बाद वो अकेले उस अपने घर को छोड़कर वापस आ गई थी। राहुल गांधी को उस महिला ने अपनी एक तस्वीर भी दिखाई थी बेटे की। भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो, गल मर गया, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं।
पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इसके साथ ही राहुल गांधी पर जब पीछे से बीजेपी नेताओं ने शोर शराबा करना शुरू किया तो राहुल गांधी ने तुरंत टोका कि झूठ मैं नहीं बोलता, झूठ आप लोग बोलते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनसे एक और लड़की मिली थी जिनसे राहुल गांधी ने पूछा था कि आपके साथ क्या हुआ बहन, जिस पर उस लड़की ने राहुल गांधी को कुछ बोलने से पहले ही वो इतना सहम गई थी, इतना कांपने लगी थी कि वो उनके सामने ही बेहोश हो गई। तो इस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर मुद्दे पर अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे जब वो दौरे के लिए गए थे और इसी बीच उनके पीछे बहुत ही शोर शराबा चल रहा था। लगभग 30 मिनट तक वो बोलते रहे और इसके बाद वो सीधे वहां से निकल गए और फिर स्मृति ईरानी बीच में आई और किरण रिजिजू ने भी उनसे माफी की मांग की क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर हत्या का आरोप लगाया, हिंदुस्तान की हत्या का आरोप लगाया। तो इस तरीके के बाद लगभग 9 अगस्त का दिन काफी हंगामेदार रहा और वही राहुल गांधी पर कई सारे आरोप भी लगे। अब देखना होगा कि आगे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान क्या होता है जब प्रधानमंत्री मोदी सामने आएंगे, क्या राहुल गांधी एक बार फिर उनसे वही चर्चा के दौरान पार्टिसिपेट करेंगे, आगे क्या बहस होगी और क्या हंगामा होगा देखना होगा। तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो, हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।